हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष केदार। हाँ तो गाइस, आप सभी को पता है इंडियन सिनेमा में कितने बड़े बड़े यूनिवर्स बन रहे, कितने बड़े बड़े बन रहे, कुछ कॉपी पेस्ट बन रहे, लेकिन जितना दबदबा लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए ना भाई साहब, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मोस्ट वॉन्टेड डायरेक्टर लोकेश कनगरा सर किस तरह से एक्शन और किस तरह का थ्रिल रखने वाले हैं। और ये जो अपडेट है ना भाई साहब, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रभास अन्ना सर के फैन के लिए, क्योंकि काफी लंबे समय से बातचीत चल रही है कि हर्ष भाई कब अपडेट आएगी, कब अपडेट आएगी, कब अपडेट आएगी। तो फाइनली कुछ अपडेट निकल कर आई है प्रभास विद लोकेश कनगराज सर प्रोजेक्ट के बारे में, यानी कि एलसीओ लास्ट गेम के बारे में। अब क्या अपडेट निकल कर आ रहा है, मैं सब बता रहा हूं ना। आप वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं जी बैक टू बैक अपडेट लाते किसके लिए, आप ही के लिए। तो चलिए जान लेते हैं गाइस, लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स में भाई छोटा मोटा काम काज नहीं होने वाला है, काफी अपर लेवल पर होने वाला है। और यहाँ पर जो कास्ट रखी हुई है, और अब आपको ऑलरेडी पता है लियो है, यानी कि लियो दास है, विक्रम है, एजेंट अमर है, एजेंट टीना है, उसी के साथ साथ रोलेक्स सर है, डेली है, और भी काफी सारे होने वाले हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं ना, ये सब एक तरफ, लेकिन प्रभास अन्ना सर एक तरफ, क्योंकि वो जो होने वाले हैं लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स के एंड गेम में, यानी कि लास्ट मूवी में होने वाले हैं। तो गाइज अपडेट क्या निकल कर आ रही है, तो पहले वो बात कर लेते हैं। तो गाइज एक्सक्लूसिव अपडेट जो निकल कर आ रहा है प्रभास एक्स लोकी के बारे में, वो ये निकल कर आ रहा है द एंड गेम ऑफ एलसीओ, यानी कि लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स इज ऑन विद प्रभास एंड आमिर खान सर। आमिर खान सर का मैंने आप लोगों को पता से डेढ़ दो ढाई तीन हफ्ते पहले मैंने आप लोगों को अपडेट शेयर किया था, जो कि सबसे पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। अदर यूट्यूबर को कोई मतलब नहीं है क्या लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स है, क्या है ये है, कॉपी पेस्ट पे ज्यादा ध्यान देता ना, तो इसलिए भाई सब ये इंपॉर्टेंट जो इंडियन सिनेमा को निखार रहा है उन पे तो उनका ध्यान नहीं जाता है। तो गाइस अब आप समझ रहे हैं मोस्ट वांटेड डायरेक्टर लोकेश कनगराज सर ने काम स्टार्ट कर दिया, मतलब कि एंड गेम स्टार्ट कर दिया है, और जो कि काफी जल्दी प्रभास अन्ना सर के साथ अपने को देखने को मिलेगा। अब देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत जल्दी हो जाएगा, मतलब सालार टू के पहले पहले ये सारी चीजें हो जाएंगी, नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं होने वाला, देखने को मिलेगा, लेकिन देखने को मिलेगा क्योंकि भाई काम स्टार्ट कर दिया गया है। और ये जो स्टोरी होने वाली ना भाई साहब, इस स्टोरी में भाई साहब सब के सब अपने को दिखाई देने वाले हैं, सब के सब, क्योंकि आप लोगों को पता होगा होल मूवी, यानी कि भाई सब, चाहे वो लियो उठा ले, कैदी उठा ले, चाहे वो विक्रम उठा ले, चाहे वो अपकमिंग कूली प्रोजेक्ट उठा ले, कोई भी प्रोजेक्ट आप उठाकर देख लेंगे ना, तो सब में इतना बड़ा सस्पेंस देखने को मिलेगा। और उस लास्ट एंड गेम में भाई साहब प्रभास अन्ना सर के साथ साथ सारे होल इंपॉर्टेंट सबसे डेडली फेस देखने को मिलेंगे, चाहे वो एजेंट अमर हो, लियो दास हो, चाहे वो रोलेक्स सर ही क्यों ना हो, दिल्ली क्यों ना हो। आप गाइस देखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि कौन कौन मरने वाला है और कौन कौन बचने वाला है एंड गेम के लिए। आप लोग तो भाई एक्शन सीक्वेंस पर नजर डाल रहे होंगे, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ एक्शन सीक्वेंस के साथ साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहाँ जाने वाला, नहीं मैं ये लिटरली मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि काफी फैंस का एक्शन सीक्वेंस पे काफी ज्यादा नजर होता है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि यार उसके साथ साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहाँ जाने वाला है यार। मतलब ये जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगा, ये जो एक्शन सीक्वेंस होगा ना, लिटरली गाइस गुटका छाप के जितने भी फैंस हैं भाई सब, सबके दिमाग की नसें फाड़ कर रखने वाले, क्योंकि वही तो है सबसे ज्यादा टॉक्सिक, जो कि प्रभास अन्ना सर से हेट करते हैं, उनकी अपकमिंग मूवियों का मजाक बनाते हैं। अब गाइस आमिर खान सर भी हो गए, अब तो प्रॉपर तरीके से हो गए, और अभी तो ये तो ठीक ही है, ये भी तो प्रभास अन्ना सर के बारे में बात चल रही है, आमिर खान के सर के बारे में बात चल रही है। लेकिन आप लोगों को पता है जब लियो मूवी का जब शूटिंग स्टार्टिंग हुई थी, उसके पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था कि लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स में प्रभास अन्ना सर की एंट्री हो गई है, जो कि अब अपने को देखने को मिली आज से डेढ़ साल पहले, जो अपडेट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो भाई साहब अब अपने को प्रॉपर तरीके से उजागर होती नजर आ रही है, और उसी के साथ साथ जब धनुष सर लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स में घुसेंगे ना, तो भाई साहब ऐसे घुसने वाले हैं, जितने घुसे हो ना सारे के सारे बाहर आने वाले हैं। भाई मैं आप लोगों को बताऊं ना, ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है काफी ज्यादा इनक्रेडिबल होने वाला है, और इस प्रोजेक्ट के सामने भाई साहब कोई भी अदर प्रोजेक्ट नहीं लगने वाला है। और अभी तो रुको, प्रोजेक्ट इज अंडर
कंस्ट्रक्शंस, मतलब समझ रहे हैं, मतलब काम काज चल रहा है, बिल्डअप किया जा रहा है, वर्किंग ऑन प्रोसेस चल रहा है, और इसी के बाद इट्स मतलब कि लोकेश कनगराज सर की ये लास्ट मूवी होने वाली है, जो कि एंड गेम होने वाला है एलसीओ का। उसके बाद प्रॉपर तरीके से लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स सॉरी इंडस्ट्री से भाई साहब लोकेश कनगराज सर रिटायरमेंट लेने वाले हैं। क्यों रिटायरमेंट ले रहे हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ये पता है वो जितनी भी पिक्चर अभी लाएंगे आज से 10 साल 15 साल तक जब तक भी पिक्चर लाएंगे ना भाई साहब, उनका जो फोकस रहेगा लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरफ रहेगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ प्रभास अन्ना सर के साथ जब वो होंगे तो क्या होगा। उसी के साथ साथ अब आप देख लेना सालार सीज फायर पार्ट वन में उनकी मारने की काटने की उड़ाने की धमकाने की और जो डेडली फेस आंखों से जिस तरह की ना कैपेसिटी भाई साहब भर भर के किया था ना भाई साहब, सोच कर ही डर लग रहा है। बाकी यार पता नहीं आ रही है प्रभास अन्ना सर को ये जो मतलब ये छाप वो छाप, मतलब यार ये लोग बेरोजगार लोग क्यों ट्रोल करते रहते मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं ना लोकेश कनगराज सर और प्रभास अन्ना सर इस तरह से ट्रोल करने वाले हैं इंडियन सिनेमा में उन लोगों को जो कि प्रभास अन्ना सर को ट्रोल करता है। बाकी गाइस आप लोग बताओ क्या लगता है प्रभास एक्स लोकेश कनगराज प्रोजेक्ट के बारे में, आमिर खान सर भी इस मूवी में होने वाले हैं, क्या लगता है इस मूवी का लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का एंड गेम होने वाला है, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।